नाव म सुदूर उत्तराखंड उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर को सुदूर उत्तराखंड खंड में जो इलाका क्षेत्र यो महाकाली रिवर को महारावी महाकाली रिवर के पा, के किनारे रह, रहता हूँ और वहीं से पिथौरागढ़ जो मेरे जिल्ला हो पिथौरागढ़ जिल्ला का मोहानी बा बोलि रख और मनी नेपाली आ, बहुत कम आता है लेकिन मैं बुझुंझूँ तो बहुत शुक्रिया मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे हिमालय की भाषाएँ और वहाँ के लोग और वहाँ का खान पान वहाँ का रहन सहन मैं समझ पाऊँ तो मैं मैं अनिल हूँ और मैंने कुछ पढ़ाई की पीएचडी करी और उसके बाद नेट किया और कुछ किताबें लिखी, कुछ इंटरनेशनल फेलोशिप ली और कुछ नौकरियां की और अभी मैं कुछ नहीं करता अपने गांव आ गया था 2018 में 2018 मार्च में और गांव में ही गांव के लोगों के साथ कुछ कुछ काम करता हूं खेती बाड़ी और कोशिश करता हूं कि अपने जो रूट्स हैं उनको समझ पाऊं उनको बेहतर ढंग से और बेहतर ढंग से उसको कर पाऊँ तो बहुत शुक्रिया तो ख़ासकर राजा राजा दाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया तो दरअसल हिमालय के साहित्य और उसके उसके विविध आयामों को लेकर के मैंने कुछ कुछ पढ़ाई की और कुछ कुछ जितनी मुझे समझ है मैं उसी को लेकर बात करना चाहता हूं। तो साथियों नेपाल से भी सृजना जी हमको सुन रही है बहुत शुक्रिया सृजना जी तो साथियों कुल मिला हम इस इस कोशिश में है लगातार इस कोशिश में है कि हम आप लोगों से बात करें और आप हमसे बात करो क्योंकि ये जो पूरा पूरा जो हमारा जो हिमालयी इलाके हैं जो हिमालय को छूते हैं किसी न किसी तौर पर उनके जीवन में हिमालय का असर है और हिमालय उनके मिथकों से लेकर उनके उनके जीवन में इस कदर शामिल है कि उसके बिना उन और उसके उसके बिना उनके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती तो उन्हीं लोगों से मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं तो तमाम जगह कोशिश करता हूं कि तमाम हिमालय के करीब बोले जाने वाली तमाम भाषाओं को और तमाम लोगों को तमाम सारी चीज़ों को मैं समझ पाऊँ तो मेरी जो पीएचडी थी वो लंबी कविताओं पर थी लंबी कविता का रचना विधान और विचारधारा विषय वो मेरो तो उसी विषय पर मैंने काम किया था तो छायावाद्योत्तर लंबी कविताएं हैं छायावाद रोमेंटिसिज में हिंदी साहित्य का एक एक काल रहा उसके बाद जो है फिर वो आपका जो है 2010-20 तक की जो कविताएं थी लंबी कविताएं उन पर मैंने काम किया और उन पर काम करते हुए तमाम दुनिया और देश के साहित्य को समझने की कोशिश करी तो उसी दौरान नेपाली साहित्य क्योंकि नेपाली इलाकों से लगा हुआ हमारा इलाका है तो नेपाली हमारी एक तरह से बहुत करीबी भाषा है जो पूर्वी कुमाऊनी हमारी जो पूर्वी कुमाऊनी भाषा है उसमें <coughs> वो नेपाली से काफ़ी प्रभावित है और जो कुमाऊँ के पहले कवि माने जाते हैं या लोग जिनको पहला कवि कहते हैं कुमानी मैं तो नहीं कहता हूं लेकिन लोग कहते हैं तो वो जो है नेपाली में और कुमाऊनी में और <coughs> खली बोली में तीनों भाषाओं में कविता लिखते थे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो जो पुराना जो रा, राजा है था अस्कोट का तो वो दोनों तरफ मतलब काली के किनारे और इधर हमारे और ड्यूटी के जिक्र हमारे लोग गी, गीतों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो बहुत गाजिन रूप से हमारी रोटी बेटी के संबंध बॉर्डर के इलाकों में है और इस तरफ लोग गाय चराने आते हैं उस तरफ लोग बाँधते हैं और ये सब एक तरह से हमारे लिए जो दाई भाई का जो रिश्ता है वो अभी भी अभी भी बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो निरंतर तमाम भाषा भाषी लोगों के साथ इसी तरह का हो तो फिर इसी बीच में तमाम लोगों से मिला जैसे सिक्किम के कुछ साथियों से मिला और सिक्किम में मेरे बहुत अच्छे दोस्त राजन उपाध्याय है उनके बहाने सिक्किम के कवियों से मुलाकात हुई और इसी तरह राजा पुनियानी जी के बहाने जो है से, से दार्जिलिंग और उस तरफ की कविताओं से मुखातिब हुए और फिर जम्मू कश्मीर की कविताओं के साथ भी हमारा परिचय हुआ और हिमाचल की कविताओं के साथ भी कुछ कुछ परिचय पहले से रहा है और अभी भी लगातार हम उस पर है और नेपाली साहित्य के साथ तो मेरी गहरे गहरी एक तरह से लगाव है तो उसमें एक तरह से मैंने लगभग जो चर्चित है उनको मैंने पढ़ा है और आगे भी ये कोशिश करता हूँ कि उनको मैं पढ़ता रहूँ नेपाली जो कवि है बिमला तुमखेवा हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं और एक तरह से उनकी कविता का मैंने अनुवाद भी किया शुरुआती दौर में विक्रम सुब्बा और ये रावत की एक कविता है संबोधन है उसका नाम लंबी कविता है वो बहुत अच्छी मुझे लगती है उसका वो भी किया बाकी मुनाव मदन हो गया भानु भक्त हो गया ये सब पुराने जो कभी है माधव कुमार घिमरे और ये सब तो एक तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ने की कोशिश की और थोड़ा समझने की कोशिश की प्रमोद धिताल जी नमस्ते तो यही सब रहा और बहुत अलग अलग विषयों में पढ़ने और उसकी समझने की जो आदत रही उसी वजह से हम कहीं एक जगह टिक के रहे नहीं तो यही आदत है कि फाइनली अपने गांव लौट आया और अपने गांव में एक, एक छोटा सा समूह बना के रहता हूँ रहवासी और उसी में कुछ कुछ काम करते रहता हूँ जो मेरे आप भवन जिस भवन पर मैं बैठा हूँ अभी वो वही भवन है ये अर्थ अर्थवेक तकनीक से बना हुआ भवन है इसी के अंदर से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ अचानक से मुझे कल राजा दाई ने कहा कि तुम्हें कल ऑनलाइन लाइव आना है तो मैं अनुवाद वाली जो कॉपियाँ थी वो मैं पक्का ढूंढ नहीं पा पाया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तो बहरहाल मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ ये कविता हिमालय के संबंध में ही है सभ्यताओं के यात्रा पर गया हुआ सभ्यताओं की यात्रा पर गए हुए वर्तमान का गीत किसी समय भेड़ों का एक रेवड़ आपदा में दब गया एक भेड़ बची सुविधा अनुसार और दृष्टि के अनुसार बचा भी कह सकते हैं आप भेड़ों की पीठ पर एक कड़पस लदा रहा जिसमें नमक बचा रहा पसीने का स्वाद नमक की तरह होता है रकत भी नमकीन होता है आंसू की धार भी नमकीन होती है बहती हुई नाक भी नमकीन होती है पसीने से बनी औरत को मैं आज भी आमा कहता हूँ प्रेमिका कहता हूँ बहन बेटी कहता हूँ रक्त से बने आदमी को मैं आज भी अपना पुरखा कहता हूँ आंसू की धार को मैं आज भी षडयंत्रों में मारे गए अपने पुर अपने शहीद पुरखों की गुमनाम कब्रगाह कहता हूं बहती हुई नाक को मैं आज भी दुदमुहे बच्चे की तरह देखता हूं जो भविष्य में फूटेंगे विद्रोहों से जिनकी नाक सूंग लेगी अपने पूर्वजों की आदिम गंध। नमक को मैंने जीवन कहा है क्योंकि पहाड़ मीठे नहीं होते लेकिन उन्हें खारा कहना उनका अपमान है मैं इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक को पार करता हुआ आ ही पहुंचा हूं यहां तक और मेरे पुरखे पहाड़ी नदियों के किनारे जिसमें राम अलखनंदा भागीरथी से लेकर पर सरयू गोरी काली के किनारे प्रेत, में भटक रहे हैं र... उन्हें अभी भटकना है जब तक मैं अपने जाति प्रमाण पत्र पर लिखता रहूंगा हिंदू और कोष्टक में राजपूत मेरे पुरखे जिनको इतिहास के कुचक्रों का बार बार शिकार होना पड़ा वो दुनिया के नक्शे में पनार की तरह थे, राम नदी की तरह थे, ये सारी नदियों पर एक बहुत बड़ा बांध बनना है मेरे पुरखे जिनको इतिहास के, के कुचक्रों का बार बार शिकार होना पड़ा है वो दुनिया के नक्शे में पनार की तरह थे, राम नदी की तरह थे सरियों की तरह थे दक्षिण अफ्रीकाई नदियों की तरह थे जिनका जल स्तर अब लगातार घट रहा है पका कबीले की तरह है जिसे ब्राजील के रबड़ व्यापारियों ने मिटा दिया पुरखे जो पैक थे पहलवान थे किसी तरह कुचल दिए गए क्योंकि वो प्रेमी थे और प्रेमी कुचल दिए जाते हैं आज भी लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन, बनता है प्रेम करना लेकिन वे अलमस्त फकीरों की तरह करते रहे हैं प्रेम पुरखे ग्वाले थे अहिर थे इतिहास में उन्हें अनथड़ मलेच्छ घोषित किया हर बार सुना है वे लड़े थे महाभारत युधिष्ठिर की ओर से तिब्बत की चोटियों का पीला सोना उनके बकरियों के खाकर पर चमका करता था आफरों में बनते थे हथियार क्या थे वे वे इतिहास के उन पृष्ठों के पीछे जिंदा है जिन पृष्ठों पर राजाओं, अवतारों, राजाओं और अवतारों के बोझ है उन कथाओं में जिंदा है जिन्हें गाता है आज भी मेरा भाई किसी आंगन मेरे ही पुरखे हैं जिनकी कथाओं में आज भी जीने की कसक है स्वाभिमान की ठसक के साथ हाँ मेरे ही पुरखे जिन्हें इक्कीसवीं सदी का पहला दशक बीत जाने के बाद भी मैं अपने माथे सर और अपनी गुमनाम पहचान के साथ ढो रहा हूँ वे भैंस चराते थे, थे पहाड़ों के सर पर बजाते थे हरे बांस की मुरली प्रकृति और स्त्री के आदिम रहस्यात्मक संबंध मेरे चरवाहे पुरखों के कंठों में पहाड़ी जलसत्रोत से फूटते थे जिनकी दुनाली मुरली में बसता था मेहनत से उपजा संसार का सबसे महान सौंदर्य शास्त्र। जिन्होंने जानवरों को प्राणों की तरह किया था प्रेम और उनके प्राण भैंसों में बसते थे इसलिए उन्हें भैंस बड़ी लगती थी और अक्ल छोटी अपनी भैंसों को उल्टी पनार की दिशा में दौड़ाते थे वे क्या वे किसी अनार्य रुद्र के वंशज थे जिन्हें आर्यो ने भंगेड़ी चरसी घोषित कर दिया बेचारी बलत्कृत आर्यो की औरतें फल खाकर गर्भवती होने का ढोंग रचती रही रोती रही पुरोहितों के आश्रम पर मुंह ढककर जनती रही विकलांग चक्रवर्ती सम्राटों को जिनके लिए मेरे पुरखे बने हमेशा बैसाखी उस समय भी समंदर मंथन का सारा विष परिधि पर खड़ा मेरा पुरखा ही पी रहा था और आज भी मथे जा रहे हैं पहाड़ आज भी मथे जा रहे हैं पहाड़ आज भी पर्वत और नदियां समंदर आज भी पी रही है मेरी पीढ़ी विश आज भी बने हुए हैं पहाड़ जीते जी उनके स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ क्या मुझे नहीं कहना चाहिए क्या मुझे नहीं कहना चाहिए मैं भी उसी कतार में शामिल हूँ जिस कतार में खड़े हैं मेरे भाई काले हफ् अफ्रीकी बलूची आदिवासी और फिलिस्तीनी भी क्या मुझे नहीं कहना चाहिए मेरी ही संस्कृतियों को मेरी ही संस्कृतियों को ब्रांड की तरह डिब्बा बंद कर वो मुझे ही बेच रहे हैं कितने ही सारे रंगों से भर दिए गए हैं हमारे चेहरे क्या हम पहचान सकते हैं अपनी ईजा का चेहरा क्या हम पिता की दुखती रंगों पर लगा सकते हैं एक अपार करुणा का लेब क्या हम एक भीतरी यात्रा पर निकल सकते हैं हजारों वर्ष पहले अपनी आदिम नदियों के किनारे अपने पुरखों की शिनाख्त और अपने चेहरे ढूंढने मैं सुनता हूँ आर्तनाद गहन जंगलों के भीतर मेरे पुरखे चीखते हैं बहते हैं खोद कर बनाई गई भयानक सुरंगों में वे चीखते हैं खड़िया की खदानों में उनके प्रेत चीखते हैं सूखती है नदियाँ वे चीखते हैं अल सुबह एक गहरे कुहरे चादर ओढ़ लेता है पहाड़ नीम खामोशी की तरह एक मातमी माहौल में जनती है हमारी माए बच्चे चूल्हे के किसी किनारे डाल दी जाती है हमारी गर्भ नाल नहीं रहेंगे हमारे चूल्हे बिना आग के उठता रहेगा उनसे धुआं भयानक आपदाओं इक्कीसवीं का पहला दशक बीत जाने के बाद भी हमारी माए जानती है लौटेंगे एक दिन उनके अफसर हुए बेटे अपनी नदियों की तरफ उस वक्त फिर से कुनमुनाना शुरू करेगा धरती का वक्श गोद में उतरेगा बसंत बसंत एक बच्चे की तरह और तांबई बाहों वाले हमारे बच्चे निकट भविष्य में पहाड़ों के सर पर हरे बांस की मुरलियां बजाएंगे तो ये जो कविता है ये कविता जैसे कि मुझसे पूछ पूछा जा रहा है कि किस तरह की समानता आप इन कविताओं में देखते हैं हिमालय की कविताओं में या दार्जिलिंग और उत्तराखंड या और जगह की कविताओं में तो मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ कि जो हमारे जो थ्रेड है वो कॉमन है हमारी जो मांगे हैं हमारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से और बहुत गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं एक अरबी दार्शनिक था अबन खालदून जिसने कहा था कि हमारी संस्कृतियां हमारा भूगोल ही हमारी संस्कृति है और हम एक ही भूगोल के लोग हैं और हम समझ हम इस बात को मानते हैं कि हमारी जो हमारी जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक धरोहर है या हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी एक दूसरे से मिली जुली है और हमारी लड़ाइयों के मुद्दे भी एक जैसे हैं चाहे वो सरकार के स्तर पर हों चाहे वो चाहे वो हमारी अपनी एक तरह से हम परिधि के लोगों की लड़ाइयों को ही लीजिए तो भी हमारी लड़ाइयाँ एक तरह की हैं तो हमारी कविताओं में भले वो दार्जिलिंग की कविताओं में राजा दाई की कविताओं में या और भी जो साथी है उनकी कविताओं में वो मुद्दे आपको दिखेंगे वो टीस आपको दिखेगी नदियों पर बांध बनने के या पहाड़ों को लूटने के या पहाड़ों को एक राजधानियों द्वारा दुश्चक्र में फंसाने के तमाम तरह के प्रलोभनों से एक तरह से तमाम लोगों को जो है भटकाने के और ये जिस तरह से सैनिक उत्पादन का अड्डा हमारे पहाड़ रहे हैं हमेशा से और शहीदों को जिस तरह से महिमामंडित किया गया है लगातार और जिस तरह से उस आ, हम देखते हैं कि आ, उनकी जो वैल्यू है उसको किस तरह से ये लोग जो है वो सारे हमारे मुद्दे एक जैसे हैं जल जंगल ज़मीनों के मुद्दे एक जैसे हैं और वो हमारी कविताओं में हमको लगातार तो वो सारे मुद्दे हमारी कविताओं में एक साथ जो है देखने को मिलते हैं तो इसलिए हमने जब ये हिमाल की कविताओं को लेकर के एक हम बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे साथी हमें साथ दे रहे हैं दार्जिलिंग से राजा दाई हमको साथ दे रहे हैं इसी तरह से और जगह से भी जैसे नेपाल से हमको बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं विमला जी साथ दे रही हैं और हिमाचल से भी हमको बहुत साथी साथ दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर से निदा नवाज़ और अपने और साथी भी वहाँ है कमल जी चौधरी वो लोग हमको साथ दे रहे हैं और अरुणाचल से जमुना बेनी है और ऐसे तरह से अलग अलग इलाकों से जो भी साथी बॉड हमारे हिमालय के राज्यों के लोग हैं या हिमालय के देशों के लोग हैं वो सब अपनी युवा जो कविता है जी जिसमें हमने 40 साल उम्र अधिकतम रखी है तो उन कविताओं को जो हम सामने रखने का ही मकसद ये है कि उसके जो सामाजिक मुद्दे हैं उन कविताओं में वो किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह की समझ के साथ हमारे साथी लिख रहे हैं क्योंकि हमको इस बात को लेके थोड़ा संशय है थोड़ा संदेह है कि जो मेन स्ट्रीम का साहित्य है खासकर इंडिया का मुख्य धारा का जो साहित्य है वो अपनी परिधि की आवाज़ों को किस तरह से वो लेता है और कई बार हम देखते हैं कि वो आ, हमारी कविताओं को या हमारे मुद्दों को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया है और जो थोड़ा चर्चित हमारे इलाकों के कवि है वो भी हिंदी साहित्य में अगर मौजूद है तो वो बेचारे भी अपनी साख बचाने में ही लगे रहते हैं और अपनी जो युवा पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के रचना कर्म को की तरफ उनका कम ध्यान होता है ये हमने बहुत बार महसूस किया है तो इसलिए मुझे बार बार ये बात लगती है कि जो हमारे जो मुद्दे हैं जो हमारे जनजीवन से ओतप्रोत कविता है जिसमें हमारी स्थानिकताएं हैं जिसमें हमारी जनपदीयताएँ हैं जिसमें हमारी भाषा है जिसमें हमारी बोली के शब्द हैं वो कविताएं, वो कविताएं एक जगह आनी चाहिए और एक जगह आकर के उनका साहित्यिक सामाजिक और एक तरह से राजनीतिक अध्ययन होना चाहिए उसमें समझ को देखना चाहिए कि किस तरह से युवा साथी का जो रचना कर्म है वो अभी आ रहा है पूरे हिमालय से तो यही कोशिश थी तो समय साक्ष देहरादून इसके लिए राजी हुआ और उन्होंने हमको इसका मौका दिया तो उसको करेंगे किसी भी तरह से थोड़ा सा मेरी जो कविता का टोन है वो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुमाऊनी के शब्द इस्तेमाल होते हैं मेरी जो मूल भाषा है वो कुमाऊनी है तो कुमाऊनी में ही कुमाऊनी के शब्दों को मैंने बहुत ज़्यादा अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया है तो कई बार ये होता है कि कुमाऊनी भाषा होने की वजह से बहुत दूर तक वो कविताएं उस तरह से नहीं पहुंचती, लेकिन उत्तराखंड के लोग उसको समझ पाते हैं कई जगह तो इस तरह से भी कई बार मैं अपनी कविताओं में कोशिश करता हूं कि अपनी स्थानीय बोली भाषा मौजूद रहे तो मैं एक एक कविता आपको सुनाता हूं। इसका शीर्षक है माँ तो जो पहाड़ों की जो माँ है वो किस तरह से होती है तो ईजा कहते हैं कुमाऊनी में माँ को जब मैं कविता में रचूंगा ईजा का चेहरा नदी लिखूंगा पेड़ लिखूंगा चिड़िया लिखूंगा खेत और नाच की बालियां लिखूंगा पहाड़ के सबसे ऊंचे भीटे में मेमने को दूध पिलाती घास चरती बकरियां लिखूंगा मैं जब कविता में रचूंगा ईजा उसे चाह की कटक लिखूंगा भांग का नमक लिखूंगा बन भहरों का शहद लिखूंगा मैं जब ईजा के बारे में लिखूंगा गुपचुप में की गई प्रार्थनाओं के बारे में लिखूंगा भरभाटी भरभाटी घरों के ऊपर तख्ते डाल के बनाया जाता है तो भरबाटी जू घर जहां ये जुआ फंसता है उसको जू घर मैं रखे असिक उचैन खरीज और चावल के दानों के बारे में लिखूंगा धोती की गांठ में छिपा के रखे पैसों के बारे में लिखूंगा ईजा के बारे में लिखते हुए मैं उदास मगर हंसने वाले चेहरे के बारे में लिखूंगा खुरदुर कामगार हाथ चीरे पड़े पैर के साथ साथ मोमबत्ती के लेप के बारे में लिखूंगा ईजा के बारे में लिखता हुआ मैं काज बरातों के बाद अपने ससुराल लौटने से पहले देली पूछती गुपचुप सोचने वाली बहनों के बारे में लिखूंगा जब लिखूँगा ईजा के बारे में उसे सैनिक बेटे पर सैनिक बेटे की वर्दी पर सीना उचकाते पिता की तरह नहीं बल्कि बेरोजगार बेटे की तारीफ में कहे गए दो शब्दों की तरह लिखूंगा ईजा के बारे में लिखते हुए मैं अपनी बेरोजगारी लिखूंगा अपनी बेरोजगारी लिखते हुए लुटेरों की सरकार लिखूंगा लुटेरों की सरकार लिखते हुए नारे लिखूंगा और एक दिन ईजा झल्ला के कहेगी इस सरकार के घर आग लगे बज्जर पड़े बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेन्द्र जी तो ये एक कविता थी और इधर एक त्यौहार होता है जिसको फुलदेही कहते हैं फुलदेली तो बसंत के जाने पर फुल संक्रांत शायद हिमालय के सभी इलाकों में होता होगा आपके तरफ भी शायद संभव है वो तो फूल संग्रांत उसको कहते हैं तो उसमें दरवाजों पर फूल महिलाएं बच्चे गांव के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बच्चियां जो है वो फूल चुन के लाती है जंगलों से और वो दरवाजों पर रखती है सुबह सुबह तो उसी पर है ये हिमालय की बेटियां किसी सुबह ठिठूटते हुए वे आएंगी हिमाल से किसी सुबह ठिठुरते हुए वे आएंगी हिमाल से सबसे ठंडे दिनों सबसे ठंडे दिनों में भी अपने लत्तर झगुले की कुट्टी में आड़ू प्यो, प्योलीटारू मेल केसिया गुरास के फूल छुपाए बिना कुछ मांगे बिखरा जाएंगी वो देहरी पर पंखुड़ियां फूलों की देहरी पर रख के फूल देते हुए प्रेम का पैगाम एक दिन चुपके से चल देंगी वो देहरी के पार तो ये पर कविता थी तो इसी तरह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहाड़ों के तमाम सारे लोगों से मिलता जुलता रहूँ और कविता में अमूमन अपनी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करूँ क्योंकि हिंदी मेन स्ट्रीम का जो साहित्य है हम चाहते हैं कि उसमें जनपदीयताओं की शब्द जनपदीयताएं बहुत ज़बरदस्त ढंग से आनी चाहिए हमारी भाषा हमारी बोली के शब्दों का दखल उस उसके भीतर हो तो राजनीतिक रूप से भी और सचेत होते हुए बार बार ये कोशिश रहती है कि हम कविताओं में अपनी स्थानीय बोली बाने के शब्द डालें जिसमें जिसमें एक चमक हो एक रगड़ हो क्योंकि हर भाषा के शब्दों की अपनी चमक और अपनी रगड़ होती है और अपना एक सौंदर्य होता है तो उसको कोशिश ये करते हैं कि उसको हम कोशिश करें कि एक तरह से हिंदी को इन शब्दों से परिचित कराएं कि हमारे पास भी वैसे शब्द मौजूद है जो बहुत मायने रखते हैं अपने आप में हालांकि कई बार ये भी देखने को आया है कि जो मेन स्ट्रीम का साहित्य है वो इस बात को लेकर थोड़ा सहज हो जाता है कि हमारी जो स्थानीय जनपदीय तो बोलियां हैं या भाषाएं है, हमारी जो भाषाएं हैं है, उसके शब्दों को लेकर के उसे थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो थोड़ा सा एलिट क्लास और ऊपर के लोगों का साहित्य है तो इसलिए जो है उनको वो कई बार नाक भवन छोड़ते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है अपना स्टैंड तो अपनी जगह है ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कोई बड़ी साहित्यिक पत्रिका हमको छापेगी नहीं और छपास रोग से ग्रसित तो हम है नहीं है ना तो इसलिए जो है इथोस पारखिन पारखिन इथोस पार्किन जी बहुत शुक्रिया तो मैं दरअसल मैंने कुछ कहानियां भी लिखी है जो हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाओं में गई और उसी का एक छोटा सा अंश मेरे पास है मुझे लगता है कि हम लोग उससे रिलेट कर पाएंगे तो उसको कोशिश करता हूँ कि उसको आप लोगों को सुनाऊँ ये मेरी किताब है उल्टा पेज दिख रहा होगा अपनी माटी अपना बचपन पहाड़ों से लगाव है उसको कैसे लोगों तक मतलब आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं तो इसमें मेरे बचपन के जो छोटे छोटे किस्से हैं चाहे वो कुत्ते को लेकर के हों या खेती बाड़ी करने को लेकर हो उसी को लेकर के मैंने इसको लिखा है तो इसमें एक 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 किस्सा है अमरूद बेचोगे क्या मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ बहुत अमरूद होते हैं और इधर नेपाली प्रवासी लोग आते जाते रहते हैं तो एक, एक गीत है हमारे वहाँ जिसको न्यौली कहते हैं जोड़ ने, और नेपाल की तरफ न्यौलिया तो गंगा कोची बगु बगु पृथ्वी कोची घूमू एक थाली में भात खूला तय डोटी में कुमो कुमो मेरा कुमाऊँ और डोटी नेपाल के तरफ का इलाका है तो इसमें यह है कि इसका मतलब है नदी कहती है बहती हूँ बहती हूँ पृथ्वी कहती है गोल गोल घूमती हूँ परंतु भाई हम एक ही थाली में भात खाएंगे तू नेपाल डोटी का और मैं कुमाऊँ भारत का यह स्मृति कालीपार के कामगार साथियों से जुड़ी है जुड़ी है वैसे तो कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल के बहुतेरे लोग गीतों में कालीवार और कालीपार के जिक्र लगातार मिलते रहे हैं तो इसी तरह से इसमें मैंने ये कोशिश की है कि तमाम सारे जो इलाकों के लोग हैं, जैसे इसमें जो ठीक मेरे ऊपर का इलाका है वो रंग का इलाका है भूटिया और तिब्बती इलाका है सौकाओं का तो उसमें हमारे कैसे उन लोगों के साथ इलाके हैं ये नेपाल के जो भूटिया भोट जुमली जुमला करके भी एक हमने इसमें एक एक हिस्सा है जो एक तरह से क्योंकि अब तो पहाड़ों में ये सब लगभग ख़त्म हो गया है ख़ासकर जब चाइना व्यापार ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है हमारे वहाँ भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इसका तो हमारे जो सामाजिक ताने बाने थे आपस में रंग लोगों के साथ सौकाज के साथ या वो थे उनमें एक एक गैप आया और इसी तरह से जो हमारे नेपाली भाई थे नेपाली भाइयों के साथ भी मूवमेंट के बाद नेपाली नवक्रांति के बाद या जनक्रांति के बाद उसमें भी एक तरह से थोड़ा बहुत अब लोग कम आते हैं नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा हमारे साथ उनका उठना बैठना या रहना बहुत महीनों तक यहीं रहते थे तो हम बजा ही कहते थे उनको कई बार बजा या दाई तो इसी नाम से संबोधित करते थे मैंने बाद में शहरों में जा देखा तो उनको बहादुर बहादुर भी कहते हैं और कभी कभी हमको भी लोग बहादुर कह देते हैं या हम जब जब हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं कुमाऊं के भीतर ख़ासकर अल्मोड़ा की तरफ या बाहर को तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक, एक 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 खास किस्म का टोन होता है लोगों का लोग उनको डोट्याल कहते हैं खासकर सोर पट्टी के लोगों को डोट्याल मतलब डोटी वाले तो ये सब ये सब अभी भी चलन में है यहाँ तो बहुत गाजिन संबंध है हम लोगों के तो एक 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 किस्सा है उसको सुनाता हूँ मेरे बहुत फेवरेट राइटर है रसूल हमजातो जो आ, दागिस्तानी एक राइटर रहे अब तो छाछी और ये इलाका है तो मेरा दागिस्तान उस किताब का नाम है तो उसको पढ़ते हुए मुझे पहाड़ों की समझ आई तो कई बार जो मेरे प्रोग्रेसिव बहुत अल्ट्रा प्रोग्रेसिव मतलब अति Uh, क्रांतिकारी साथी थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो केवल पहाड़ों की और हिमालय की बात करते हैं करते हो पहाड़ों की बात करते हो तो तुमको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए अपने उससे तो हमने उनसे कहा कि भाई मैं केवल पहाड़ का मतलब केवल मेरा गांव नहीं है पहाड़ तो बहुत ज़्यादा है पूरे धरती में पहाड़ है और मैं तो सब पहाड़ों की बात करता हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम जगह जो है उसमें जो विदोहन है या जो संसाधनों की खुली लूट है वो किस तरह से हुई है और हम किस तरह से आज तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए तो मेन स्ट्रीम में आने की जो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो बड़ी लड़ाइयां हैं तो उसी का एक किस्सा है छोटा सा अगास में पंची रिठो धरती पड़ी छाया जैसी तेरी पानी तीस उसी मेरी माया तो माया को प्रेम कहते हैं पंची आकाश में पंख फहरा कर घूमा और उसकी छाया धरती में पड़ी ओ मेरे प्रिय जैसे तेरी पानी की प्यास है वैसी ही मेरी मोहब्बत है एक बार एक दागिस्तानी कवि ने उकाब से पूछा उकाब कहाँ जन्म हुआ तुम्हारा उकाब बोला तंग दर्रे में कहा उड़े जा रहे हो उकाब उसने कहा और छोर ही नाकाश में तंग दर्रे में पैदा होने वाले उकाब पंची से यह संवाद मेरे मन को बहुत भाया हम सब किसी न किसी तंग दर्रे में ही पैदा हुए वह तंग दर्रा संकीर्णताओं का अंधविश्वासों का गरीबी और फटेहाल हालतों का तंग दर्रा भी हो सकता है जब हम तंग दर्रे से खुले आकाश में आते हैं तब तंग दर्रे हमें किसी रोमांचक अनुभव से भर देते हैं पंचियों से हमारे मन ने उड़ना सीखा किसी लोक गायक ने क्या अद्भुत कहा है कि आसमान में उड़ने वाला पंछी भी पानी पीने के लिए धरती के पास ही उतरता है ओह मैं समझता था कि दिन गुजरते हैं दरअसल उम्र गुजर जाती है तो इसको कुमाऊनी में कुमानी का जो लोग गायक है वो ऐसे कहता है आसमाना उड़ाने पंछी पानी पीने रहे छ और मैं जब मैं जब कुंथी हूँ तीन जनाना उमर जाने रहे छ तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हमारी पश्चिमी जो नेपाली है पश्चिमी महाकाली अंचल की तो उसके साथ साथ ये शब्द मिलते जुलते हैं तो इसी तरह से इसमें तमाम जो हमारे अपने पहाड़ों से लगाव है उस तरह के तो उन सारी आ, वो उसी तरह के लेख इसमें है और उन लेखों को मैंने इसमें देने की कोशिश की है आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाता हूं प्यारे बच्चों हिंदी ठिठ हिंदी हिंदी तरीके तरिक, से ही लिखी है कि प्यारे बच्चों किसान के बच्चों ने किताब का पहला पन्ना खोला देर तक किताबों में ढूंढा किसान मिस्त्री का बच्चा ढूंढता रहा मिस्त्री किताबों में दुनिया के सबसे बड़े महलों मीनारों का रास्ता खोजते हुए घसेरनों के बच्चे ने ढूंढते रहे पहाड़ों के बारे में पढ़ते हुए अपनी किताब में नाई की बच्ची ढूंढती रही कैंची से निकलती गौरैया सी आवाज के साथ अपने पिता को किताबों में सफाई कर्मी का बच्चा ढूंढता रहा एक साफ सुथरी बात कि उसका पिता क्यों नहीं है किताबों में कौन इन्हें बताए कि यह डॉक्टर इंजीनियर मास्टर प्रोफेसरों की है तहसीलदार जिलाधीशों की है इसे मजूरों किसानों नाई घचारनों इसमें मजूरों किसानों नाई घचारनों की कोई जगह नहीं मेरे प्यारे बच्चों ये किताबें बदलनी है तुम्हें तो ये एक तरह से जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हमारी जो शिक्षा है खासकर जो हम पहाड़ों के लोग हैं या और जगह के भी तो हमको अपने पैसों को लेकर के या हमारे पैसों को लेकर के जिस तरीके का सम्मान है तो उसके उसको देखते हुए इसको लिखने की कोशिश करिए क्योंकि जैसे उत्तराखंड में बहुत पलायन हुआ है दार्जिलिंग की तरफ का तो मैं नहीं जानता मुझे नहीं लगता कि वहाँ उतना होगा लेकिन उत्तराखंड में बहुत पलायन हुआ है जबकि उत्तराखंड में बहुत बड़े बांध बने हैं उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जमीन अधिग्रहण हुई है सरकारों द्वारा और तमाम लूट खसोट हुई है खुली खुली लूट खसोटें हुई है भूमाफियाओं द्वारा नदियों के किनारे खोद दिए गए हैं तमाम तरीके से बुरे हालत है दर लगातार बढ़ा है उत्तराखंड का सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तरक्की कर रहे हैं हम लोग और तीसरे नंबर पे पर्यटन से आता है तो अगर पर्यटन से पहले नंबर पर आ रहा होता तो हम समझ पाते कि हमारी इकोनॉमिक किस तरह से हम इसको करते हैं तो ये सब जो दुष्चक्र है बीच जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ी है और हमको बेरोजगार करने वाला भी ये सिस्टम ही है कई बार मैं इस बात को कहता हूँ और ये शिक्षा ही है जो किसी पैसे को सम्मान नहीं दे सकती जो कुछ ख़ास पेशों को ग्लोफाई करती है कुछ खास नौकरियों को ग्लोरोफाई करती है तो दुनिया में तो सभी लोग मौजूद हैं और पहाड़ों के लिए ख़ासकर उत्तराखंड के लिए सरकारों के पास अलग से कोई ब्लू प्रिंट कभी बना नहीं तो इसलिए जो है लोग या तो नौकरी करने बाहर चले जाते हैं उनके रिसोर्स रिसोर्सेज और सस्टेनेबल सस्टेन के लिए हम सरकारों के पास कोई योजना नहीं है तो युवा लगभग हमारे जो युवा साथी है वो सब बाहर है और उस तरह की कोई सामाजिक मूवमेंट भी नहीं है जिसमें हम ये कहें कि असंगठित आंदोलन जरूर है लेकिन कहीं भी संगठित आंदोलन नहीं है अपनी जमीनों को लेकर अपने पंचायत अधिकारों को लेकर के तो उत्तराखंड में बहुत बुरे हालत हैं तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल हो गए हैं और इस 20 सालों में बेरोजगारी और अपने अपने संसाधनों का उपयोग बहुत पीछे रह गया है बावजूद इसके बहुत सारे साथी लोग लगे हुए हैं दुनिया बदलने के लिए दुनिया को ठीक करने के लिए तो उनको तो सलाम बनता ही है लेकिन हम तो बोलते रहेंगे तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं अगर चाहें तो फिर चलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ महाकाली पर बाँध महाकाली पर बाँध बनने जा रहे हैं मुझे नेपाल से भी बहुत साथी सुन रहे हैं और शायद दार्जिलिंग के लोग भी इस 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 समझ में होंगे कि दुनिया का ए, जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है जिसकी जिसकी हाइट 315 मीटर ऊंची होगी तो उसमें करीब उत्तराखंड के चालीस हजार परिवार वो भी वो भी बासठ की जनगणना के अनुसार प्रभावित होंगे अभी के हिसाब से करीब करीब साठ सत्तर हजार परिवार और दो विधानसभा क्षेत्र उसमें एक तरह से खत्म हो जाएंगे और इसी तरह से नेपाल में भी इसका प्रभाव पड़ेगा तो ये कविता थोड़ा सा महाकाली के नेचर को लेकर के है महाकाली जो नदी है उसका नेचर मुझे बहुत बहुत पसंद है एक तरह से तो उसके उसके बहाव को ले और उसके तमाम उसको ले थोड़ा लंबी कविता है महाकाली पे बात महाकाली का पार पाना था पाना है स्त्री के मन की महाकाली का पार पाना था पाना है स्त्री के मन की यही कहावत सुनते हुए मैं बड़ा हुआ और स्त्रियों के मन की जासूसी करने लगा इसका दूसरा हिस्सा है मैं नहीं कर सका किसी भी नदी से प्रेम कर पाना नदी से प्रेम हर किसी के बस में कहा एक बिगड़ेल पहाड़ी लड़की लगी महाकाली मुझे जो भाग रही हो पहाड़ों के पीछे देवता होने के सच को बेनकाब करते हुए तराई की तरफ जवान होते आज्ञाकारी ऊंची जाति के पहाड़ी लड़कों का मुंह चढ़ाते हुए जिनके दोस्त तक जातियों से बाहर नहीं होते मैंने नहीं किया काली से प्रेम मेरी इतनी सामर्थ्य ही कहाँ मैं खुद भी उन्हीं पहाड़ी लड़कों में रहा होऊंगा किसी हद तक जो प्रेम भी जातियों से बाहर नहीं करते सच तो प्रेम से कम और कुछ किया भी नहीं मैंने महाकाली को काली मेरे जीवन में वैसे ही थी जैसे बहुत जरूरी चीजें होती है आस पास बेमतलब बिना स्वार्थ के होती है जैसे दूर न्यौली की तान जुड़ते हैं जैसे संदर्भ कहीं पर किसी जगह पहुंचती है जैसे यात्राएं सभ्यताओं की और बढ़ती रही हो जैसे यात्राएं सभ्यताओं से आगे मैंने कहा था उसे चरवाहे की बेटी कहता हूं अब भी यही वह अपने दड़ियल चरवाहे के पिता के पीछे पीछे दबे पांव चली आई कभी हिमालय से तराई की तरफ जहां देख लिया उसे अंग्रेज बहादुर ने और जबरन बना दिया ईसाई जबकि वह हिंदू ग्रंथों में भी अछूत थी वह एक स्त्री थी जो मिलाती रही दो आंखों को बीच की नक्शीर बनकर देश और धर्म की सीमाओं के पार कहीं मनुष्यता की असीम सीमा में देखती है नदियां मनुष्य को महाकाली ने महाकाली ने भी यही किया अतीत में एक दिन वह उसे पता चला कि वह ठगी गई है उसका नाम सीमा के कटीले तारों का पर्याय हो गया है वह ठगी गई है जैसे उसकी ने ठगी गई उसकी ने जैसे भागीरथी अलखकंदा और तमाम जगह पर बांध बन चुके हैं बावजूद मैंने उससे नहीं की दो बातें या उसने ही नहीं लगाया मुझे कभी मुंह वह बहती रही अनमनी होकर वह बोली नहीं उसका आक्रोश और ज्यादा आवाज के साथ बहने लगा उसे रोकना मौत को रोकने जैसा था जिसे आना होता है कभी ना कभी तत्पर है दो देश इस समय इसको बांधने में तत्पर है दो देश इस समय इसको बांधने में अपने अपनी राजधानियों में कर रहे हैं फाइलें इधर से उधर इधर से उधर दूर पहाड़ पर काली बेखबर अपने दोनों किनारों पर असंख्य गांव समेटे बह रहे को गाली देने वाले दड़ियल बुजुर्ग किसे कहेंगे अगर काली पर बन गया बांध जल्दबाज नक्चड़ी तराई के लड़कों से की प्रेमिका किसे कहेंगे दो किनारों पर दो आशिक साथ लिए चलने वाली किससे होगी उन्हें पुरुषों वाली चलन एक काली वे खुद भी चीखेंगे तुम्हारे संग और चीखेंगी मछलियां चीखेंगे तुम्हारे रेवाड़ों के बेजान पत्थर तुम्हारी लाख बेजती की बात जिसे तुम सहला के रखती थी चीखते हुए कर लेंगे आत्महत्या तुम्हारे सीने में तुम्हारे किसान किनारे बसे गांव खामोश होकर ले लेंगे जल समाधि तुम्हारे किनारे के लोभी लोग भविष्य में कभी रोते हुए आएंगे तुम तक एक मार दी गई नदी से माफी मांगने अपने खेतों को याद करते हुए देखना तुम ठग ली जाओगे जाती है जब, एक नदी। जाती है जब एक नदी तब उसके किनारों की आबादी भी ठग ली जाती है ठग ली जाती है सरल पशुओं की आवाजें ठगे रह जाते हैं वे पुल जिनसे होकर मनुष्य आए थे धरती पर वह सेतु भी ठग लिए जाते हैं वह सेतु भी ठग लिए जाते हैं जिनके दम पर टिके थे रोटी बेटी के संबंध सभ्यताओं से वर्तमान तक नदी के ठगे जाने के बाद प्यास तक पहुंचने के सबसे सही रास्ते ठग लिए जाते हैं की प्यास ठग ली जाती है बिजली के तारों के बहाने पंछियों की प्यास ठग ली जाती है बिजली के तारों के बहाने नदी को ठग लिए जाने के बाद अबोध देवता भी खुद को ठगा सा महसूस करने लगते हैं जो कामगार लोगों के चरवाहों के पीछे चौमास की नदी तैर कर आया करते थे आर पार दरअसल नदी को ठगा जाना मनुष्यता को ठग लिए जाने की सबसे आधुनिक और नई घटना है इस जमाने में तो यही था और अब मैं खुद कुछ अपने काम के बारे में बता दूं। तो साथियों पढ़ाई लिखाई के बाद मैं रहवासी करके एक समूह चलाता हूं अपने गांव में और उसमें हम कुछ किसान साथियों के साथ काम करते हैं लंबे समय से कर रहे हैं पिछले एक दो साल से और एक आफ्टर लाइब्रेरी चलाते हैं और आप जो मेरे में जहां मैं बैठा हूं ये हमारा एकदम नया भवन है जो अर्थवेग तकनीक से बना हुआ है बीच में हमने हल्का सा कट्टा दिखाने के लिए छोड़ा हुआ है आप कि कोई भी आए तो इसको देखे कि ये मिट्टी से बना हुआ घर है मिट्टी के थे और प्लस जो सीमेंट के थैले होते हैं उसके तो उसी तरह से खेती किसानी और बागवानी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत प्लान हो रुक सके और सेल्फ सस्टेनेबल एक गांव बन सके और जिस गांव में जो बच्चे वॉइसलेस और चॉइसलेस है जिनको इस सुदूर इलाके में किसी तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता और एक तरह से जो मुख्य धारा से बिल्कुल छिटके हुए हैं अपने परिवेश भाषा और बोली को लेकर के जो लोग जो एक तरह से हे ही भावना रखते हैं या उनको ये बताया गया है कि उनकी भाषा और बोली तो ऐसे ही गंवारों की बोली होती है कौन बोलता है कुमाऊनी तो ये सब उनको उनको लगता है कि कुमाऊनी बोलने से उनकी हंसी हो जाती है या खेतों में बैल जोतने से उनकी हंसी हो जाती है या लोग उनको शर्म आती है तो हमारी ये कोशिश है कि हम ये पूरा जो श्रम के प्रति जो सम्मान है और जो खेती और परिवेश और आ, हमारा जो परिवेश है उसको हम शिक्षा के साथ कैसे जोड़ें और उसको और कितना आ, हम उसको व्यवहारिक बना सकें क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल एक अच्छी नौकरी पाना नहीं होता शिक्षा का मतलब होता है मनुष्यता के साथ मनुष्यता के साथ आ, आ, आप रह सकें तो मैंने बहुत विद्यालयी शिक्षा के साथ काम किया तो देखा कि बच्चों के भीतर अपने पिताओं के पेशे को लेके बहुत आ, एक तरह से अपराध बोध जैसा होता है बच्चे अपने पिता का पेशा बताने में झिझकते थे मिस्त्री कहते उनके जैसे पिताजी उनके कोई मिस्त्री था कोई दिहाड़ी मजदूर था तो उनको ये कहते हुए शर्म आती थी या कई बार वो झेप जाते थे ये बताते हुए कि उसके पिता क्या करते हैं तो मुझे ये बहुत दुख लगा उसके बाद मैंने ये कोशिश करी कि हम पेशों का सम्मान करना सीखें और किताबी बातों शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों जो है वो एक ही तरह की चीजें हैं इसलिए ये कोशिश की कि इन दोनों मान की भावना को हम लोगों के भीतर ले जा सकें और क्योंकि एन भी बार बार इस बात को कहने लगा है कि परिवेश आधारित शिक्षा तो परिवेश आधारित शिक्षा के किस तरह की हो लोग अपने आसपास परिवेश को समझ सकें क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं ये होता है कि पहले यहाँ आठ पास से, से में भर्ती होती थी क्लास एट्थ के बाद तो बहुत बच्चे को ये इस बात की समझ ही नहीं होती थी कि उसका घर क्या है परिवार क्या है और उसे सीधे सेना में भर्ती हो जाना होता था क्योंकि रोजगार के और कोई अवसर नहीं थे तो उसके बाद ये हुआ कि अभी कुछ ही ब्लॉक में पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में ही ये शेष है बाकी अब इंटर स्कूल पास भर्ती होती है लेकिन हम चाहते हैं कि पहाड़ केवल सैनिक उत्पादन का ही अड्डा न बने स्टेट के लिए पहाड़ों से लोग निकलें और अच्छे पेशों पे जाएं और या फिर अपने अपने गांव में ही अपने घर में ही अपने संसाधनों की समझ रखें और उनका कैसे समुचित उपयोग करना है उसको सीख सकें तो इसी मुहिम को लेकर के सुपोषित गांव सबल गांव को का नारा लेकर के हम लोग आए और हमने हमारे बहुत साथियों ने इधर काम करना शुरू किया है और बहुत आपका स्वागत है अगर आप कभी उत्तराखंड आए आएंगे तो आप जो है जरूर आपका हम स्वागत करें वैसे मैं नैनीताल में भी रहता हूं दस दिन नैनीताल महीनों में अभी तो मैं दो तीन महीने से अपने गांव में ही हूं तो नैनीताल से मैंने रिसर्च की तो मैं नैनीताल रहता हूं तो वहां से मेरे बहुत साथी पश्चिमी जो फार वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है नई यूनिवर्सिटी त्रिभुवन टी से अलग हुई उसमें मेरे बहुत साथी लोग हैं और प्रोफेसर हैं तो नैनीताल भी आना जाना रहता है और यहाँ भी मैं अपने गांव में भी रहता हूँ तो आप लोग कभी उत्तराखंड की तरफ आए जो भी मुझे देख सुन रहे हैं तो जरूर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं राजा दाई के मार्फत और हम भी खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमालय के लोग एक साथ बात करें और अपने मुद्दों को एक ही मंच से उठाने की कोशिश करें चाहे वो साहित्यिक मंच हो चाहे वो राजनीतिक मंच हो चाहे वो चाहे वो किसी भी तरीके का स्वलम्बन का मामला मसला हो तो इसी बहाने को लेकर के हमने हिमालय की कविता का भाग एक जो उत्तराखंड के इक्कीस कवियों का है युवा कवियों का उसको उसको एक तरह से फाइनल कर दिया है उसके प्रूफ आजकल हम चेक कर रहे हैं और जल्दी ही हम और राज्यों की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम एक साथ पूरे हिमालयी राज्यों और देशों के कवियों का एक, एक गेट टुगेदर आपस में मिलना बैठना और आपस में उनके परिचय ये सब करने की योजना में है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे याद किया और आप लोगों ने मुझे सुना जय हिमाल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्नेह हमेशा बने रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया